रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। परमाणु सक्षम अग्नि सीरीज की मिसाइलें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से विकसित की गई है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ये सॉलिड रॉकेट प्रोपोनेंट सिस्टम से संचालित अत्याधुनिक मिसाइल है। इनमें आमतौर पर स्टील का एक आवरण होता है जो ठोस यौगिकों के मिश्रण से भरा होता है। ये तीव्र गति से जलता है और रॉकेट को धक्का देने के लिए नोजल से गर्म गैसों को बाहर निकालता है। ये पिन पॉइंट सटीकता के साथ लक्ष्य को भेद सकती है। विशेष नेविगेशन सिस्टम से लैस ये 15 मीटर लंबी अग्नि एक मिसाइल 1000 किलो तक का पेलोड ले जा सकती है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी भी मिसाइल, विमान, रॉकेट या टॉर्पिडो में विस्फोटक को ले जाने की क्षमता को पेलोड कहते हैं। किसी विमान या मिसाइल का पेलोड इतना है, ये उस विमान या मिसाइल की विशेषता को बताता है। इस मिसाइल की विशेषता ये है कि ये उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 700 से 2500 किलोमीटर है। ये मिसाइल 15 मीटर लंबी और 12 टन वजनी है। इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का पहला परीक्षण 25 जनवरी 2002 को किया गया था। ये मिसाइल भारतीय सेना के स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स के तहत आती है। आपको बता दें कि भारत ने अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों के विभिन्न रूपों को विकसित किया है। इससे पहले भी कम दूरी तक मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल SRBM